प्रवीण और सुधीर कॉलेज के जिगरी दोस्त थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दोनों को अच्छी नौकरी भी मिली थी, फिर भी दोनों खुश नहीं थे। मन नहीं लग रहा यार इस जॉब में। मेरा भी वही हाल है। रोज 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ, लेकिन मेरे बॉस को मेरी कदर ही नहीं है। मेरे यहाँ सब एक दूसरे की टांग खींचने में इंटरेस्टेड है, काम से ज्यादा पॉलिटिक्स में लोग टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह प्रवीण और सुधीर अपने अपने काम से नाराज थे। दोनों होशियार थे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखते थे। कहाँ खोए हो सुधीर, ठीक से खाना खाओ। और कितने दिन ऐसे ही मुलटका कर रहोगे, तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? माँ की बात सुन के सुधीर की आंखों में चमक आ जाती है। सच माँ, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँ? बिल्कुल नहीं, जो काम मन को खुशी दे वही काम इंसान को करना चाहिए। माँ की बात सुन के सुधीर बहुत प्रोत्साहित होता है, लेकिन थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अगले ही दिन सुधीर और प्रवीण फिर हमेशा की तरह चाय की टपरी पे मिलते हैं। सुधीर प्रवीण को बिजनेस शुरू करने की कल्पना बताता है। ये सच में बहुत अच्छा सुझाव है, अगर हम मन लगाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। हाँ यार, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं। मैं 50% पैसों का इंतजाम करता हूँ। प्रवीण की बात सुन के सुधीर खुश हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद दोनों छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट तुम दोनों को, अच्छा मन लगाकर काम करना और खूब आगे बढ़ना। थैंक यू चाची। थैंक यू माँ। ऐसे ही 2 महीने गुजरते हैं, दुकान अच्छी चल रही है। जब प्रवीण मार्केट जाता है तब सुधीर काउंटर संभालता है, और जब सुधीर मार्केट जाता है तो प्रवीण कैश काउंटर की जिम्मेदारी निभाता है। शाम को दुकान बंद होने के बाद दोनों एक दूसरे को उस दिन का हिसाब देते हैं। ये अब उनका रोज का रूटीन हो गया था। प्रवीण, आज 4,000 रुपए का बिजनेस हुआ है और 1,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मैंने बाजू में रख दिए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आज टोटल 20,000 के नए कपड़ों का ऑर्डर दिया है। कैश पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट था तो मैंने पेमेंट कैश से कर दिया। ओके ठीक है, बिल फाइल में लगा देना। प्रवीण बिल ढूंढने लगता है। क्या हुआ प्रवीण? बिल नहीं मिल रहा, शायद ट्रैवलिंग में कहीं खो गया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। दोनों शॉप बंद करके अपने अपने घर निकलते हैं। सुधीर अपने बिस्तर पे करवटे बदल रहा है। रात के 2 बज चुके हैं लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। क्या सचमुच प्रवीण ने कपड़ों के खरीदी की रिसिट खो दी है या वो झूठ बोल रहा है? लेकिन वो तो बहुत केयरफुल और जिम्मेदार है, उसके हाथों से रिसिट खोना नामुमकिन है। सुधीर उठ जाता है और अपने तकिए के नीचे से 2,000 रुपए निकालता है। क्या प्रवीण ने भी कुछ पैसे साइड में निकाले होंगे जैसे मैंने ये पैसे चुपचाप निकाले हैं? तभी मिरर में सुधीर का अल्टर ईगो आ जाता है। बिल्कुल निकाले होंगे, तुम गलत काम कर सकते हो तो वो क्यों नहीं? नहीं, प्रवीण ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ईमानदार है वो। ईमानदार तो तुम भी थे, फिर आज क्या हुआ? अब सुधीर के मन में द्वंद्व शुरू होता है, उसका मन उसे ही खाए जा रहा है। फाइनली थक के सुधीर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुधीर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है। उसकी आंखें और चेहरा फूला हुआ है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। बेटा क्या हुआ, कल रात ठीक से सोए नहीं क्या? चेहरे पे तनाव है तुम्हारे, सब ठीक है ना? नहीं माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने प्रवीण के साथ चीटिंग की है, उसका विश्वासघात किया है। ये क्या कह रहे हो सुधीर? हाँ माँ, मैंने कल हमेशा की तरह प्रवीण को दुकान का पूरा हिसाब नहीं दिया। सुधीर की बात सुन के उसकी माँ चौंक जाती है। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने दुकान के गल्ले से 2,000 रुपए चुपचाप निकाल लिए। ओह, लेकिन तब तो तुम्हें अच्छी नींद आनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि क्या प्रवीण ने भी कभी मेरे साथ चीटिंग की होगी, आधा ही हिसाब दिया होगा, ये सोच के कि वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ये बात तुम्हारे दिमाग में पूरी रात घूमती रही और तुम सो नहीं पाए, ठीक कहा ना मैंने? माँ की बात सुन के सुधीर को बहुत बुरा लगता है, उसका सिर शर्मिंदगी से झुक जाता है। सुधीर, हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी चीज में, फिर चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या तुम्हारा काम हो, तुम अपना 100% समर्पण नहीं दोगे, किसी के साथ धोखा करोगे तो तुम्हारा दिमाग शक का दिमाग खा जाएगा। तुम्हें भी यही लगता रहेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ 100% डेडिकेटेड या ईमानदार नहीं है, और आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। आई एम सॉरी, मैं अभी जाके प्रवीण की माफी मांगता हूँ।
शांताबाई ने कुछ ही दिन पहले पन्ना लाल के यहाँ खाना बनाने का काम शुरू किया था। पन्ना लाल की प्रेग्नेंट बीवी माधुरी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती, उसे चाय नाश्ता और कभी कभी खाना भी खिलाती। शांताबाई पहले चाय पी लेना, काफी ठंड है। हाँ हाँ मैडम, पी लेती हूँ। और ये मेरा एक पुराना स्वेटर है, मैंने 2 ही बार इस्तेमाल किया है, तुम चाहो तो यूज कर सकती हो। पन्ना लाल अपने सोने की पेढ़ी पे सुबह जल्दी चले जाते और उसके बाद शांताबाई उनके घर खाना बनाने आ जाती। शांताबाई के हाथ में स्वाद था, उसके काम से माधुरी भी खुश थी। अब धीरे धीरे शांताबाई ने माधुरी का विश्वास जीत लिया। शांताबाई मैं जरा मंदिर हो आती हूँ, अब घर का ध्यान रखना। जी मैम साहब, आप टेंशन मत लीजिए। माधुरी अब हर रोज 1 घंटे के लिए मंदिर जाया करती थी और घर पर शांताबाई अकेली होती थी। पन्ना लाल के घर गांव के बासमती चावल की 4 बोरियां आई थी। शांताबाई के मन में लालच पैदा हो गया। यहाँ खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और इतना सारा चावल है, इसमें से 2 कटोरे चावल मैं निकाल लूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। शांताबाई ने बोरी से 2 कटोरी चावल निकाल कर अपनी थैली में रख लिए और चावल की गोनी को फिर से सिला दिया। अरे वाह, आज घर वालों को पुलाव खिलाऊंगी। शांताबाई का लालच और हिम्मत दिन ब दिन बढ़ रही थी। कभी चावल तो कभी शक्कर, या कभी चाय पत्ती तो कभी आलू प्याज। पन्ना लाल के घर से रोज कुछ ना कुछ शांताबाई के घर पहुंच ही जाता। शांताबाई की तो चांदी हो गई थी। अरे वाह, अच्छी मछली लगी है तुम्हारे हाथ शांता, लेकिन ध्यान रखना नहीं तो फंस जाओगी। हाँ तुम फिकर मत करो, मेम साहब का पूरा विश्वास है मुझ पे। सही है, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। घर का सामान धीरे धीरे गायब होता रहा, लेकिन माधुरी को बिल्कुल भनक नहीं लगी। शांताबाई पर उसका विश्वास बरकरार था। और ऐसे ही एक दिन माधुरी की सास घर आ जाती है। प्रणाम माँ जी। अरे अरे बहू, झुको मत, कैसी है तुम्हारी तबीयत? वैसे ठीक है, लेकिन थकान सी रहती है। डरो मत, ऐसी हालत में कमजोरी आम बात है। अब मैं आई हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने, चलो एक सेल्फी लेते हैं। माधुरी सासू माँ से शांताबाई का परिचय कराती है। माँ जी ये शांताबाई है, हमारे यहाँ रसोई और घर के छोटे मोटे काम संभालती है, मुझे बड़ा सहारा है इसका। अच्छा अच्छा ठीक है। माधुरी की सांस बड़ी तेज थी और टेक्नोसावी भी, एक ही नजर में सामने वाले को भांप लेना उसकी खासियत थी। माधुरी जब मंदिर जाया करती थी तब सासू माँ जाप करने झूले पे बैठती, फिर हर 15 मिनट बाद रसोई में चक्कर लगाती। उनके घर में रहने से शांताबाई को अब चोरी करना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं ये बुढ़िया कब वापस जाएगी, अब तो कुछ भी चुराने से डर लगता है। शांताबाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है, जब सासू माँ जाप करने झूले पर बैठती है तब झूले की आवाज आती है और जाप की 1 चाकरी पूरे होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। अच्छा तो इसका मतलब ये बुढ़िया 10 मिनट तक यहाँ से हिलेगी नहीं। इतना समय मेरे लिए काफी है। अगले 2-3 दिन शांताबाई चीजें चुराने में सफल होती है और अपने आप पर खुश हो जाती है। चलती हूँ माँ जी, सब्जी फ्रिज में रख दी है। ठीक है। जैसे ही शांताबाई घर से निकलती है उसके हाथ की फूली हुई थैली देख के सास की आंखें चमक जाती है। अरे जब ये सुबह आई थी तब तो ये थैली फोल्ड करके लाई थी और अब इतनी भरी हुई कैसे थी? अगले दिन शांताबाई काम पे आती है। शांताबाई बहू मंदिर गई है और मैं जाप करने बैठ रही हूँ, फिर मैं प्रसाद बनाने रसोई में आ जाऊंगी। जी माँ जी। शांताबाई किचन में आती है, झूले की आवाज उसके कान पर पड़ रही है। वो अंदाजा लगाती है कि सासू माँ अब 10 मिनट तक वहाँ से नहीं उठेगी। अब ये बुढ़िया 10 मिनट तक यहाँ नहीं आएगी, मैं कुछ आलू और प्याज थैली में रख देती हूँ। काम खत्म होने के बाद शांताबाई घर निकलती है। माँ जी मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आज क्या बना रही हो घर पे? आज पाव भाजी बनाने की सोच रही हूँ। अरे वाह अच्छा है, तो कितने आलू और प्याज लिए हैं तुमने? हाँ? सासू का अचानक से आया सवाल सुन के शांताबाई चौंक जाती है, लेकिन बात को संभाल लेती है। जी लिए नहीं, अभी जाते जाते ले लूंगी। इसी दौरान माधुरी भी मंदिर से लौट आती है। लेकिन तुम्हारी थैली में तो ऑलरेडी प्याज और आलू है, जरा देखो तो। शांताबाई को अपनी चोरी पकड़े जाने का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होती है। लेकिन आपको कैसे पता चला माँ जी? सांस हंसते हुए माधुरी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है।
वीडियो में शांता बाई को आलू और प्याज थैली में रखते देख माधुरी चौंक जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन आप तो जाप कर रही थी ना, मुझे झूले की आवाज भी सुनाई दे रही थी, इसीलिए मैंने चोरी करने की हिम्मत की। शायद तुमने मेरे हाथों में जाप की माला की बजाय ये बहू की माला नहीं देखी। और झूले को एक बार धक्का दो तो अपने आप 5 मिनट झूलता रहता है। 5 मिनट रिकॉर्डिंग के लिए काफी है। और इस प्रकार लालची काम वाली शांताबाई को माधुरी के सास ने अच्छा सबक सिखाया। अब शांताबाई को उस एरिया में नया काम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। माँ जी, आज आपकी वजह से हमारा नुकसान टल गया। लेकिन बहू, तुम भी आगे से किसी पे भी आग बंद करके विश्वास मत रखना, ये कलयुग है, याद रखना। कुछ दिन पहले की बात है, अरविंद ने अभी अभी अपनी टीचर्स ट्रेनिंग पूरी की थी और शहर की स्कूल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन वक्त बर्बाद ना हो इसीलिए उसने घर पर ही ट्यूशंस लेना शुरू किया। अरविंद सर, बबलू दिमागी कमजोर है और उसकी मैथ्स भी बहुत कच्ची है, प्लीज उस पर जरा स्पेशल ध्यान दीजिए। जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये खुशी की बात अपने स्कूल टीचर से शेयर करने अरविंद पाठक सर के घर आता है। बहुत बहुत बधाई अरविंद, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है, खूब मन लगा के पढ़ाना। जी सर, मैं पूरी लगन के साथ काम करूंगा और आप ही के जैसे एक आदर्श टीचर होने की कोशिश करूंगा। आदर्श और बच्चों के फेवरेट, और इसलिए तुम्हें एक गुण बहुत काम आएगा। वो कौन सा सर? पेशेंस, यानी कि धीरज। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हमेशा धीरज से काम लेना होगा। सिक्के के दूसरे बाजू को बिना समझे कोई निष्कर्ष मत निकालना। अरविंद ने पाठक सर की बात अपने दिमाग में फिट कर ली। अरविंद बबलू को मन लगा के पढ़ाता था। अरविंद ने एक बात नोटिस की थी कि बबलू की मैथ्स सचमुच में कमजोर थी। वो उसे सिखाने के लिए सिंपल टेक्निक्स यूज करता था। एक दिन अरविंद ने बबलू को एक सिंपल सा सवाल पूछा। बबलू, अब सवाल ध्यान से सुनना और सोच के आंसर देना। अगर मैंने तुम्हें 3 ऑरेंजेस दिए और उसमें से एक वापस ले लिया तो अब तुम्हारे पास कितने ऑरेंजेस बचे? 3 सर। नहीं, फिर से सोचो। सर, 3 ऑरेंजेस ही होंगे मेरे पास। नहीं बबलू, 2 ही बचेंगे। ये देखो, 3 ऑरेंजेस मैंने तुम्हें दिए और ये एक वापस ले लिया, तो कितने बचे? सर, 3। बबलू के बार बार गलत जवाब देने पर धीरे धीरे अरविंद के पेशेंस खत्म हो जाते हैं और वो गुस्सा होने लगता है। फिर उसे पाठक सर की बात याद आती है। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हमेशा धीरज से काम लेना होगा। अरविंद फिर से बबलू को प्यार से समझाने लगता है, लेकिन बबलू वही गलत जवाब देता है। ये लड़का इतना समझाने पर भी गलत ही जवाब दे रहा है और इतने कॉन्फिडेंस है, समझ नहीं आ रहा इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, दिमाग का दही हो रहा है। अरविंद के बदले हुए आवाज से बबलू थोड़ा सहम जाता है। अरविंद उसे आखिरी बार वही सवाल पूछता है और बबलू डर डर के वही गलत जवाब देता है। बबलू, अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सही जवाब दो वरना कल तुम्हें 1 से 100 बार लिख कर लाना पड़ेगा। सर, लेकिन मैं राइट आंसर ही दे रहा हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे मैथ्स पढ़ाओगे, ठीक है, बताओ कैसे तुम्हारे पास 3 ऑरेंजेस बचेंगे। तभी बबलू अपनी बैग में से एक ऑरेंज निकाल कर सर को दिखाता है। सर, मेरी मम्मी ने आज मुझे ये एक ऑरेंज आपके साथ खाने के लिए दिया है, तो आपने 3 में से 1 ऑरेंज ले भी लिया तो भी मेरे पास 3 ही ऑरेंजेस बचेंगे ना। अरविंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पाठक सर की सीख याद आती है। ओ बबलू, आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अरविंद को अपने बर्ताव का पछतावा होता है और वो आगे से कभी भी बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव ना करने की कसम खाता है। आज इस छोटे बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी, सिक्के का दूसरा पहलू जाने बिना ही मैंने अपना संतुलन खो दिया, अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाय विशाल, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, बाय रवि, बाय परेश। रवि, चल यार निकलते, मुझे मेरी मॉम के लिए गिफ्ट लेना है। क्यों, आंटी का बर्थडे तो मार्च में होता है ना। अरे कल मदर्स डे है ना।
ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, तो अपनी माँ से नाराज है ना। रवि और परेश की बात उनके स्पोर्ट्स टीचर विक्रम ने सुनी है। वो दोनों के पास आते हैं। क्यों भाई, कौन किससे नाराज है? कहीं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? नो नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल रवि अपने कजिन के घर शिफ्ट हुआ है ना। ओह, एनीथिंग सीरियस? नो सर, बस ऐसे ही। माँ के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, बेवजह बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने मुझे। बस तब से आंटी से ना मिलने की कसम खाई है इसने सर, मैं तो समझा समझा के थक गया। परेश की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ जाता है। बाय द वे रवि, क्या आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांग सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं। विक्रम पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठा के लाते हैं और अपने टॉवेल से उसे रवि के पेट पे कस के बांध देते हैं। परेश और रवि आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सर, ये पत्थर आपने रवि के पेट पर क्यों बांधा है? कल बताता हूँ। रवि, आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन तुम इस पत्थर को अपने बॉडी से अलग नहीं करोगे, याद रहे। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है, समझो। विक्रम के जाने के बाद रवि और परेश अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि पूरी रात पत्थर को लिए घर में काम करने की कोशिश करता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत मुश्किल होती है। ये कैसी गुरु दक्षिणा मांगी सर ने, बहुत तकलीफ हो रही है, ना ठीक से खाना खा सकता हूँ ना सो पाता हूँ। दूसरे दिन रवि और परेश ग्राउंड पर फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते हैं। रवि की हालत देख परेश परेशान हो जाता है। वो रवि को बैठने उठने में मदद करता है। रवि, वो देखो सर आ रहे हैं, बस अब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। होप सो यार, इस 3 किलो के पत्थर ने हालत खराब कर दी है मेरी। हेलो बॉयज, कैसे हो रवि? बिल्कुल ठीक नहीं सर, क्या अब मैं इस पत्थर को निकाल दूं? नहीं नहीं, अभी मेरी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं हुई है। एक काम करो, इस ग्राउंड के 3 राउंड लगाओ। रवि बड़ी कठिनाई से ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, लेकिन दूसरा राउंड शुरू होते ही चक्कर आके नीचे गिर जाता है। रवि, पानी पी लो। ठीक हो ना अब? यस सर। सर, ये सब आपने किस लिए किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, अपनी माँ को समझने में तुमने गलती की है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? रवि, तुम एक दिन के लिए ये 3 किलो पत्थर के साथ नहीं जी पाए, तो जरा सोचो, हमारी माए हमें 9 महीने तक अपने पेट में कैसे संभालती है, कितनी परेशानी से गुजरती है। आई एम सॉरी सर। आप सही कह रहे हैं सर, इसीलिए माँ को भगवान का रूप मानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने परेश। और इस प्रकार अपनी गलती का एहसास होकर रवि अपनी माँ से मिलने घर लौट जाता है। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे संजय को अच्छी तालीम दी थी। बेटा, तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, यही मेरी इच्छा है। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। बेटा, आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। क्या बाबा, मैंने कहा ना मुझे नहीं अच्छा लगता बाग में काम करना, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है क्या? लेकिन बेटा, ये तो हमारी अपनी बाग है, तो फिर काम करने में क्यों झिझकते हो? बाबा प्लीज, अब लेक्चर मत देना, मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर रहे हैं, और वैसे भी मुझे बड़ा बिजनेस करना है, ऐसे फालतू काम मुझे नहीं करने। मुंगेरी लाल को लगता था कि संजय को इसी आम के घरेलू व्यवसाय को बड़ा करना चाहिए, लेकिन संजय सिवाय बड़े बड़े सपने देखने के कुछ काम नहीं करता था। दिन भर गांव में दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, नुक्कड़ पे अड्डा जमा के वक्त बर्बाद करना, बड़े बड़े डिंगे हाँकना, यही उसका रूटीन बन गया था। आ गए रामगढ़ के बिजनेस टाइकून। टाटा बिरला के बाद हमारे संजय जी का ही नाम लिया जाएगा भाई। वो तो है भाई लोग, इसीलिए बड़े बड़े सपने देखता हूँ यार, वो भी डे एंड नाइट। देखना तुम, एक दिन इसी गांव में आसमान छूती बड़ी हवेली होगी मेरी। संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के कारण मुंगेरी लाल परेशान थे। 1000 बार समझाने के बाद भी संजय पर कोई असर नहीं हुआ था। काश आज संजय की माँ जिंदा होती, पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा यह लड़का।
इतने में मुंगेरी लाल के चचेरे भाई हरिमल घर आते हैं। उन्हें देखकर मुंगेरी लाल बेहद खुश होते हैं। कैसे हो छोटे, कितने साल बाद मिल रहा हूँ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही, थोड़ी संजय की चिंता हो रही थी। मुंगेरी लाल से हरिलाल को संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि संजय को आमरस बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस हरिलाल के दिमाग में संजय को सबक सिखाने की एक कल्पना आती है। संजय बेटा, आज दोपहर को जल्दी घर आना। क्यों चाचा जी, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अरे सुनो तो, आज दोपहर के भोजन में मैं तुम्हारे लिए खास आमरस पूरी बनाने वाला हूँ। सच में चाचा जी, फिर तो मैं जल्द ही घर आऊंगा। ऐसा कहकर संजय रोज की तरह नुक्कड़ पर चला जाता है। दिन भर बाहर टाइम पास करके संजय खुशी खुशी घर आता है। खाने का समय हो गया लेकिन खाना तैयार नहीं है, सारे बर्तन खाली है। संजय सोच में पड़ गया। कहाँ गए ये लोग, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैया वो देखो, संजय आ रहा है, अब क्या करे? तुम बस देखते जाओ छोटे। अरे ये तो यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हैं। बाबा, चाचा जी, भूख के मारे मेरी जान जा रही है और आप यहाँ गप्पे मार रहे हो? कहाँ है आमरस? मंगेरी लाल ने हरिलाल की तरफ इशारा किया और हरिलाल ने पेड़ के नीचे रखे उस पतेले की ओर। ये क्या चाचा जी, पतेली आम के पेड़ के नीचे क्यों रखी है? अरे बेटा, आमरस पेड़ से टपकने की राह देख रहे हैं 4 घंटे से। ये कैसा मजाक है चाचा जी, भूख से यहाँ जान चली जाएगी मेरी। ऐसे तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी आमरस नहीं मिलेगा। अब की ना पते की बात तुमने बेटा, यही बात तो मुंगेरी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। बेटा, सिर्फ बड़े सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे जब तक तुम खुद कोशिश और मेहनत ना करो। संजय को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो अपने पिताजी से माफी मांगता है और अगले ही दिन से काम की तलाश करने का वादा करता है।